के बिना ब्रह्मांड में एक पत्ता तक नहीं हिल सकता। मैं पवन की हलचल हूँ, मैं प्रकृति की आवश्यकता हूँ, मैं हर स्थान पर हूँ, चाहे वो सुंदर हो, जीवित हो, चलती फिरती हो। पर धरती के बहुत सारे जीवों के लिए मैं एक पहेली हूँ। मैं हूँ दुर्गा, यमा शक्ति। आइए आज मैं अपने जन्म की पहेली सुलझाती हूँ और आपको उस समय में ले चलती हूँ जब दो शक्तिशाली दैत्य रंभा और करंभा दुनिया को अपने वश में करने और उसे समाप्त करने के लिए तपश्चर्या कर रहे थे। अग्निदेव प्रसन्न हो, मुझे वरदान चाहिए।
नमः, ओम वरुणाय नमः, वरुणदेव प्रसन्न हो। क्या हो रहा है ये? ओम वरुणाय नमः। कौन तपस्या कर रहा है? इतनी जोर जोर से तपस्या कौन कर रहा है? मुझे क्रोध आ रहा है। मेरा सिंहासन, अरे मेरा सिंहासन डगमगा रहा है। नारायण नारायण, इंद्रदेव कृपया आप नया स्थान ढूंढ लीजिए। अग्निदेव और वरुणदेव शीघ्र ही राजकुमार रंभा और करंभा की इच्छा पूर्ण करेंगे और ये दैत्य संसार को अपने वश में कर लेंगे। और जैसा कि संसार का नियम है, आपको सिंहासन छोड़ना होगा। ऐसे तुम्हें लगता है नारद, तुम्हें लगता है कि ये तुच्छ दैत्य मुझे अपने राज्य से बाहर फेंक देंगे? अभी दिखाता हूँ, रंभा करंभा मैं आ रहा हूँ। वरुणदेव प्रसन्न हो, वरुणदेव प्रसन्न हो। ओम वरुणाय नमः। सच्चा भक्त हूँ, मुझ पर आक्रमण। यदि आपको अपने इस दास की चिंता है तो जागो और इस दानों को निगल लो। करंभा चिंता मत करो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। रुक जाइए इंद्र, रुक जाइए, मेरे भक्त को जाने दीजिए। मैं विवश हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। इंद्र ने करंभा को मार डाला, करंभा का वध हो गया। ओम अग्निदेवाय नमः। रमा रमा रमा, इंद्रदेव ने तुम्हारे भाई को मार डाला, अब तुम्हारी बारी है, जल्दी यहाँ से भाग जाओ। अगर मैंने अपनी साधना रोक दी तो मेरी वर्षों की तपस्या व्यर्थ चली जाएगी। हे अग्निदेव, यदि आप शक्तिशाली हैं और आपकी पूजा में शक्ति है तो मेरी रक्षा कीजिए। ओम अग्ने स्वाहा, ओम अग्ने स्वाहा, ओम अग्ने स्वाहा, ओम अग्ने स्वाहा। तुम मेरे भक्त को हानि नहीं पहुंचा सकते, और तब तो कदापि नहीं जब वो मेरी तपश्चर्या कर रहा हो। अग्नि, यदि मैंने इसी समय इस असुर को नहीं रोका तो ये निश्चित रूप से तुमसे भी अधिक शक्तिशाली हो जाएगा। इंद्र, कोई भी भक्त अपने उस भगवान से अधिक शक्तिशाली नहीं हो सकता जिसकी वो पूजा करता हो। तुम्हें मेरे भक्त तक पहुँचने से पहले मुझसे लड़ना होगा देवराज इंद्र। अग्नि, इस समय तो मैं जा रहा हूँ, पर रंभा अधिक समय तक जीवित नहीं रहेगा। रंभा, तुम्हारी तपश्चर्या पूरी हुई, तुम जो वर मांगोगे मैं उसे पूरा करूंगा। इंद्र ने अभी अभी कहा कि मैं अधिक समय तक जीवित नहीं रहूंगा, अब दिखाता हूँ उसे। हे अग्निदेव, मुझे वरदान दीजिए कि कभी भी कोई देव मुझे मार ना सके। अवश्य, जैसी तुम्हारी इच्छा रंभा। ना कोई दैत्य ना ही कोई मनुष्य। तथास्तु। धन्य हो अग्निदेव, आपने मुझे इस ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली जीव बना दिया। ब्रह्मा की जय हो, 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 ब्रह्मा की जय हो।
ये क्या? भैंस? इतनी सुंदर? दुनिया को मैं बाद में जीतूंगा, पहले इसे जीत लूं। ये कोई भैंस नहीं है, निश्चित रूप से ये कोई राक्षसी है। इसे तो मैं अपनी रानी बनाऊंगा। अरे रंभा, रंभा को अपना स्वामी स्वीकार करो। मैं तुम्हें अपनी शक्ति से हमेशा आनंदित रखने का प्रयास करूंगा। मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। अच्छा, मुझे आनंदित करने के लिए तुम्हें अपनी शक्ति से अधिक कुछ करना होगा। मैं वो सब कुछ कर सकता हूँ जो तुम चाहो। अच्छा, ये बात है। अभी तो मैं बस तुम्हारी आँखों में देखना चाहती हूँ कि इनमें कितना प्रेम है। जानना नहीं चाहते मैं कौन हूँ? मैंने सुना है कि दीति, जो सारे दैत्यों की माता है, उसने अपनी पुत्री को भैंस का रूप लेने को कहा। वाह रंभा, आप तो सब कुछ जानते हैं। सच कहा, ऐसा कुछ नहीं जो मैं नहीं जानता। तो बताइए रंभा, मैं किसे जन्म दूंगी, लड़के को या लड़की को? लड़का लड़की? मैं पिता बनने वाला हूँ, मैं जल्द ही पिता बनने वाला हूँ। मैं इसे अपनी बनाना चाहता था, किंतु ये परदेसी, जो एक भैंसा भी नहीं है, इसने सब को चौपट कर दिया। हमारे राजा घायल हो गए हैं। क्या हो गया? मैं मर रहा हूँ, ये कैसे हो सकता है? अग्निदेव, आपका वरदान व्यर्थ गया, मैं मर रहा हूँ। मैंने वरदान दिया था कि कोई मानव, दैत्य या देव तुम्हें कभी नहीं मार सकता। इनमें से किसी ने तुम्हें नहीं मारा, तुम्हें मारा भैंसे ने, एक जानवर ने। किंतु मुझे एक पुत्र चाहिए था, एक शक्तिशाली पुत्र। मेरा आशीर्वाद कभी विफल नहीं जाता, तुम्हें पुत्र होगा। अग्नि, तुमने पुत्र होने का वचन दिया है, किंतु इनके मृत्यु के पश्चात इन्हें पुत्र नहीं होगा, क्योंकि मैं भी जीवित नहीं रहूंगी। तुम्हारा वचन निरर्थक जाएगा, तुम्हारी तीनों लोकों में बदनामी होगी। नहीं, रंभा का पुत्र अवश्य जन्म लेगा। चमत्कार हो गया, न माता न पिता, फिर भी पुत्र हो गया, एक बच्चा जिसका सर भैंसे का है। रंभा का पुत्र ही असुरों का स्वामी है। जय हो, जय हो। Shall see the arrow.
संसार रंभा जैसे दैत्य से तो बच गया था, किंतु उसकी जगह एक और भयानक जीव ने जन्म लिया, महिषासुर, एक दैत्य जिसका सर भैंसे का था। महिषासुर एक ऐसा असुर जिसकी वजह से मुझे यानी दुर्गा को जन्म लेना पड़ा। नारी नारी नारी, दुर्बल अबला, आज तक मैंने कोई शक्तिशाली और बुद्धिमान नारी नहीं देखी। महाराज, भूखे डरावने मगरमच्छ खाने के लिए व्याकुल हो रहे हैं। इस देवता को भूखे मगरमच्छों के सामने डाल दो। एक बात ध्यान से सुनो, सब मेरी आज्ञा का पालन करेंगे। जब मैं कहूँ बैठ जाओ तो सब बैठ जाएंगे, जब मैं कहूँ खड़े हो जाओ तो सब खड़े हो जाएंगे। असुरज, तुम थर थर क्यों कांप रही हो? जैसे तुम कांप रही हो कोई भरोसा नहीं करेगा कि तुम असुर कुल की हो। तुम तो जैसे कोई कीड़ा हो। वो आपका भोजन तैयार है असुरज। अच्छा, नारी हमारे मनोरंजन के लिए पैदा हुई है, हमारी सेवा करने के लिए। यदि मुझे दासियों की आवश्यकता नहीं होती तो मैं संसार से नारी का अस्तित्व ही समाप्त कर देता। असुरराज, असुरराज, मैंने देवता को बंदी बनाया। मैंने भागने के अनेक प्रयास किए किंतु मैंने भागने नहीं दिया। वाह वाह, अच्छा किया।
परंतु अब हमें बड़े बड़े और अधिक बलवान देवताओं को पकड़ना होगा, जैसे कुबेर और वरुण। क्यों नहीं, परंतु उससे पहले असुरराज, ब्रह्मा से कुछ वरदान तो प्राप्त कर लीजिए, उनके आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाते। तुम ठीक कह रहे हो। ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ब्रह्मदेव प्रसन्न हो, ब्रह्मदेव प्रसन्न हो, ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ब्रह्मदेव प्रसन्न हो, ब्रह्मदेव प्रसन्न हो, ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ब्रह्मदेव प्रसन्न हो, 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 ब्रह्मदेव प्रसन्न हो। महिषासुर, ब्रह्मदेव कहो। हाँ? क्या वरदान चाहिए? ब्रह्मदेव, मुझे अमर रहने का वरदान दीजिए। जीवन अनिश्चित है, जीवन में निश्चित केवल मृत्यु है। मैं तुम्हें अमर रहने का वरदान नहीं दे सकता। ब्रह्मदेव मुझे अमर रहने का वरदान नहीं देंगे। देवताओं ने मेरे पिता रंभा और उनके भाई करंभा को तो मूर्ख बनाया, अब मेरी बारी है। मेरा वध करने के लिए तो शक्ति चाहिए, जो मात्र पुरुष में होती है। नारियां तो शक्तिहीन और दुर्बल होती हैं। हाँ ब्रह्मदेव, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मुझे कोई भी पुरुष किसी भी रूप में कभी न मार सके। महिषा, मैं वरदान देता हूँ, कोई भी पुरुष, दैत्य, देव या जानवर तुम्हें कभी नहीं मार सकेगा। ब्रह्मदेव, आप नहीं जानते, आपने अभी मुझे वो वरदान दिया है जिसकी मुझे हमेशा से चाह थी, अमर रहने की। अब मैं सदा जीवित रहूंगा, सदा सदा के लिए। दैत्यों, असुरों, आक्रमण! सारे देवताओं को स्वर्ग से बाहर फेंक दो, तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करो, देवताओं पर युद्ध की घोषणा कर दो। देखता हूं कौन मुझसे शक्तिशाली है। कोई भी पुरुष मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं सबसे महान हूँ। देवताओं पर आक्रमण करो, पाखंडियों को पकड़ लो। अग्नि देव ने मेरे पिता को धोखा दिया, वरुण देव किसी काम के नहीं थे, देवताओं के पास कोई बल नहीं, वो बस हम दैत्यों को धोखा देते हैं। हम उनकी धरती और इस संसार का विनाश कर देंगे। उन्हें इतना तड़पाओ जितना वो पहले कभी न तड़पे हों। अत्याचार करो उन पर, तड़पाओ, सताओ। देवता, मानव और धरती के सभी जीवों पर अत्याचार करो। शांति से तुम जियो, हमको भी जीने दो। सुख शांति से तुम जियो, हमको भी जीने दो। हो चुका जो होना था, अब और न कुछ होने दो। जियो जीने दो, जियो जीने दो। इंद्रदेव जी बोलो, अब ये कैसा समय चला है।
महिषासुर को वरदान में स्वर्ग का राज मिला है। शिव तुम्हारी आंख तीसरी काम न कुछ कर पा रही, ब्रह्मा जी क्यों आपकी विद्या भी काम न आ रही। सूर्य छुपा है अंधेरे में, चंद्र को ग्रहण लगा है, वायु वरुण यम तुम्हारा भी ना चक्र चला है। जियो जीने दो, जियो जीने दो। ओ इतनी लंबी हम ये लड़ाई लड़ते लड़ते हारे, थक गए हैं चूर हुए हैं हम सभी बेचारे। अब विष्णु जी ही हम सबको बचा सकते हैं, महिषासुर के अत्याचार से वही छुड़ा सकते हैं। चलो चलो सब विष्णु जी के पास चलो, विष्णु विष्णु हमें बचाओ, हमारा बेड़ा पार करो, उस महिषासुर दानव से हम सबका उद्धार करो। सब देव डर कर बैकुंठ आ गए हो, महिषासुर के अत्याचार की गाथा सुना रहे हो। इतने शक्तिशाली तुम सब ये कैसे संभव है, हाल देखो तुम सब के ये बड़ा अचंभव है। ओ, 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 रहूंगा तुम्हारे मैं हूँ तुम्हारा शेरा, रक्षा करूंगा संग चलूंगा यही काम अब मेरा। जाओ 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 कुछ करो, शांति से नहीं तो युद्ध करो। भिड़ जाओ माँ, लड़ जाओ माँ, युद्ध क्षेत्र में डट जाओ माँ, सबका बेड़ा पार करो, ऐसा जमकर वार करो। ओ, 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 कौन है जिसने यहां आने की चेष्टा की? कौन है वहां? मैंने किसी को अनुमति नहीं दी कि वो यहाँ आए, या मेरे आकाश में प्रवेश करे, या मेरी धरती पर आए। कौन है वहाँ? मैं हूँ दुर्गा, मैं हूँ दुर्गा, और मैं लड़ाई के लिए तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। चली जाओ, मैं नारियों की चुनौतियों से नहीं डरता, चली जाओ। महिषा, मैं तुम्हें लड़ने की चुनौती देती हूँ। एक नारी से लड़ना मेरी प्रतिष्ठा के विपरीत है। मेरे सिपाही तुम्हारा सामना करेंगे। जाओ और मार डालो उसे। क्या आप इसके साथ कांचे खेलेंगी देवी? Huh?
साधारण असुर नहीं हो। तो 10 दिन हो चुके हैं, दोनों बहुत बलवान हैं। आ! आ!
हमने इसे परास्त कर दिया माँ दुर्गा। महिषासुरमर्दिनी की जय हो, महिषासुरमर्दिनी की जय हो। आप सर्वशक्तिमान हैं, आप हमारी शक्ति हैं, आप हमारी हमेशा सहायता करना। मैं संसार में हमेशा वास करूंगी, बस आपको मुझे याद करना है और मैं आ जाऊंगी। तुम मृत्यु पर विजय पाना चाहते थे, क्यों है ना महिषा? मृत्यु पर कोई विजय नहीं पा सकता, आप बस कुछ समय के लिए यमराज को दूर रख सकते हैं। यमदेव, आज से महिषा आपका वाहन होगा। जब भी मनुष्य आपको इस भैंसे पर आता देखेंगे तो जान जाएंगे उनकी मृत्यु आ रही है। धन्यवाद, आपकी वजह से मुझे ये वाहन मिला। धन्यवाद देवी, धन्यवाद। आपके इस उपकार के बदले मैं और महिषा उन सब से दूर रहेंगे जो आपकी भक्ति करेगा, किंतु अधिक समय नहीं। हाँ, एक आध साल तो दूर रह सकता हूँ। चलो महिषा। देवी, आपको प्रसन्न करने के लिए हम क्या करें? महिषा को मारने के लिए इन्हें अश्विन के महीने के 10 दिन लगे, तो अश्विन महीने के 10 दिन के लिए उपवास करो, दिन विजयादशमी के रूप में मनाओ। जो कोई भी दुर्गा सप्तशती का पाठ इन 10 दिनों में पढ़ेगा, मैं उन पर प्रसन्न होंगी और उन्हें आशीर्वाद दूंगी। तो इस प्रकार मुझे महिषासुर मर्दिनी और मृत्युनाशिनी नाम मिला। धनवान और शक्तिशाली बनने के लिए लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ करने लगे। ओम महादेव्यै विद्महे दुर्गाये धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै। देखिए देवी, रावण फिर से शुरू हो गया, आपको बहलाने की चेष्टा कर रहा है। लंकापति रावण आपका सबसे बड़ा भक्त है देवी, वो आपकी धार्मिक पुस्तक देवी महात्मय नियमित रूप से पढ़ता है। और मेरी भक्ति करने से ही तो उसे इतनी शक्तियाँ मिली हैं। हाँ, दुर्गा माता की पूजा करो और शक्तिशाली बनो, अमर्यादित शक्ति पाओ, सर्व शक्तिशाली बनो। ये इतना सरल भी नहीं है शेरा, मैं उसी को शक्ति प्रदान करती हूँ जो सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है, वरना उसे कुछ नहीं मिलता। ओ अच्छा, यानी मात्र अच्छे मनुष्यों को ही आपका आशीर्वाद मिलता है। तो पता है रावण ने क्या किया है? उसने सीता माता का अपहरण किया है, श्री राम की पत्नी, और उसने सीता माता को बंदी बनाकर लंका में रखा है। क्या ये आप जानती है? तो फिर आप कुछ करती क्यों नहीं? शेरा, सही कार्य सही अवसर देखकर किया जाता है, और मुझे लगता है सही अवसर आ गया है। रुकिए देवी, मैं आ रहा हूँ, रुकिए माँ, मेरे लिए रुकिए। अब मैं क्या करूं? हमें सीता को उस दुष्ट रावण के चंगुल से शीघ्र ही मुक्त कराना होगा। नारायण नारायण, श्री राम, रावण से युद्ध करने का ये सही समय नहीं है, आप जीत नहीं सकते। परंतु क्यों, हम जीत क्यों नहीं सकते? हम योग्य हैं और वो अयोग्य। क्योंकि रावण माँ दुर्गा के भक्त हैं, और जो दुर्गा माँ की पूजा करते हैं उन्हें किसी भी प्रकार पराजित करना असंभव है। और तो और, यदि किसी को पराजित करना हो तो इंद्र, शिव और ब्रह्मा भी उनकी आराधना करते हैं। संसार के हर मनुष्य को उनकी पूजा करनी होगी, तभी वो अपने शत्रु पर विजय प्राप्त कर सकेगा। तो हम क्या करें?
आप भी माँ दुर्गा की उपासना कीजिए तो रावण के बजाय आप पर उनका आशीर्वाद होगा। रावण अब सदाचारी नहीं रहा तो उन्हें प्रसन्न करने के लिए हम क्या करें? उन्हें भरोसा दिलाइए कि आप उनके सच्चे भक्त हैं। वसंत में उनकी पूजा भक्ति कीजिए और उन्हें प्रसन्न कीजिए। परंतु वसंत ऋतु तक तो बहुत देर हो जाएगी, हम अभी उनकी पूजा करेंगे शरद ऋतु में। नारायण नारायण। वैसे माँ को नीले कमल अधिक प्रिय हैं। आप उन्हें 108 नीले कमल चढ़ाकर प्रसन्न कर सकते हैं प्रभु। कमल? वो भी इस ऋतु में? तो कमल खिलने की प्रतीक्षा कीजिए और माँ दुर्गा को अर्पण कीजिए। नहीं नहीं, ये संभव नहीं है। हम अभी देवी को अर्पण करने के लिए 108 कमल के फूलों की व्यवस्था करते हैं। नारायण नारायण। वो रहा फूलों का गुच्छा। एक मिला, एक और मिला। ओ, वहाँ 5 हैं। देवी, क्या आप श्री राम जी का कार्य आसान कर रही हैं? कदापि नहीं। हमें 108 कमल ढूंढने होंगे तो ही देवी प्रसन्न होगी। 28 हो गए हैं। ओ, वहाँ और हैं। सीता को मुझे बचाना ही होगा, पता नहीं वो किस हाल में होगी। एक और मिला। शरद ऋतु में नीले कमल मिलना कितना कठिन कार्य है, पर देवी दुर्गा को मुझे प्रसन्न करना ही है। युद्ध में विजेता वही हो सकता है जिसके साथ माँ का आशीर्वाद हो, ये बात मुझे भूलनी नहीं चाहिए। 44, 56, 87, 99, 105, 106 और 107। मात्र 107? एक और, हमें एक और चाहिए। ओ हाँ, वहाँ है। ओह, ये कमल नहीं, ये तो कुछ और ही है। अब मैं क्या करूँ? यदि हमने ये 107 कमल माँ को अर्पण नहीं किए तो ये सारे के सारे मुरझा जाएंगे। हाँ? हमारी आंखें, वो भी कमल की भांति लगती हैं। हमें तो कमल नयन भी कहा जाता है। यदि इन 107 कमल के साथ हम अपनी एक आंख भी अर्पण कर दें तो? हाँ? ये इन्होंने क्या किया, आंख निकालकर अर्पण कर दी। ओम दुर्गाय नमः, 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 ओम दुर्गाय नमः। राम, हमें आशीर्वाद दीजिए देवी। तुम्हारे बलिदान से मैं प्रसन्न हुई। रावण तुमसे जीत नहीं सकता, मेरा आशीर्वाद हमेशा सत्य के साथ है। हमें आशीर्वाद दीजिए माँ, रावण के सामने युद्ध के मैदान में आप हमेशा हमारे साथ रहेंगी। राम, युद्ध में जीत तुम्हारी ही होगी। तुम्हारे कार्य में सृष्टि तुम्हारा साथ देगी। वानर अपनी सेना बनाकर तुम्हें जीत दिलवाएंगे। गिद्ध लंका तक उड़कर तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे। मछलियां और समुद्री जीव सेतु का आधार बनेंगे और तुम्हारे शस्त्र जिन पर मेरा आशीर्वाद है तुम्हें युद्ध में अवश्य विजय प्राप्त कराएंगे। श्री राम और रावण में युद्ध शुरू हो चुका है। श्री राम वानर सेना के साथ हैं और वो रहे हनुमान। हनुमान ने रावण की सेना को परेशान कर रखा है। अरे नहीं, अब क्या होगा, वो श्री राम की सेना पर अग्नि वर्षा कर रहा है और अब
पत्थर। शेरा, तुम्हारी आकाशवाणियां बंद करो, युद्ध हो जाने के बाद इसे खोल दूंगा, समझ गए शेरा? रावण की मृत्यु हो गई, ये सब आप ही के आशीर्वाद से हुआ है देवी। मेरी प्रशंसा मत करो शेरा, वो जीते हैं क्योंकि वो श्री राम हैं, सर्वशक्तिमान हैं। सोचा जाए तो आपने 10 दिन महिषा के साथ युद्ध किया, वैसे ही श्री राम ने रावण के साथ 10 दिन युद्ध किया। आपने दशमी के दिन महिषा का वध किया, वैसे ही श्री राम ने भी। तो अब से मनुष्य दशहरा मनाएंगे रावण के 10 सिर को मार के। आपने उन्हें एक और कारण दिया है विशेष दिन मनाने का, विजयादशमी। धरतीवासी दशहरे के दिन रावण का पुतला जलाएंगे, बुराई पर अच्छाई की जीत मनाएंगे और इसी तरह मेरी पूजा अर्चना करेंगे। सच्चाई की जय जय गूंजे, विजय पताका लहराए, पापी अधर्मी आग में देखो कैसे धू धू जल जाए, मन के रावण महिषासुर को आज जलाओ रे। हे बड़ा ही रोचक बड़ा ही शुभ है, बड़ी सीख देने वाला ये त्योहार है, अहंकार का नाशवास करने वाला। राम राज हो काम काज हो, मिटे पाप की हर बस्ती, कहीं ना हो कोई दहशत गर्दी, चहु और फैले मस्ती, सच की खातिर लड़ेंगे हरदम कसम उठाओ रे। हे पांडवों ने भी की थी पूजा अपने शस्त्रों की, दुर्गा माँ से ब्लेसिंग लेकर छुट्टी की थी शत्रुओं की। तुम बच्चों के पेन और पेंसिल बुक्स तुम्हारे शस्त्र है, इन्हीं की पूजा करनी तुमको, यही तुम्हारे अस्त्र है, इन्हीं से तुमको विजय मिलेगी, इन्हीं से जग में होगा नाम, यही तुम्हारी पावर है, तुम इन्हें करो शत शत प्रणाम। जय दुर्गे जय दुर्गे दुर्गे माँ, करो तुम अपनी अपनी मशीन टूल्स और टॉयज की, और दशहरे पे मस्ती लो पटाखों की नॉइज की, नई सोच से नए जहां का मैप बनाओ रे। हे hey!